सो ग्रीटिंग्स पोकी फैंस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार नए ऑसम से पोकेमोन रेड एडवेंचर के एपिसोड के अंदर। आज के एपिसोड में हम लोग पार्टिसिपेट करने वाले रॉयल बैटल फेस्टिवल के अंदर, और देखते हैं कैसे पार्टिसिपेट करना है, कौन कौन से कैरेक्टर हम लोग को रॉयल बैटल में मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी रॉयल बैटल के बारे में मैंने सुना है लेकिन देखा नहीं है, तो ज़रूर आज के एपिसोड में देखेंगे। ऐश ग्रे के अंदर एक चैप्टर ज़रूर था जो खेला था मैंने रॉयल बैटल का, लेकिन वो अलग था और ये अलग है, लेकिन उसमें सारे कैरेक्टर्स थे, इसमें है कि नहीं पता नहीं। ज़रूर आज का एपिसोड रोमांचक होने वाला है, तो एपिसोड के अंदर बनी रहिएगा। और लास्ट एपिसोड अगर आपने चेकआउट नहीं किया है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख के रखी है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में। एपिसोड पसंद आते तो लाइक करना, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अंदर घुसते ही हम लोग को एक ऑसम सी कैरेक्टर दिख रही है जो है डेफिनेटली मिष्टी, और मिष्टी यहाँ पे पार्टिसिपेट करनी आई है प्रिंसेस और प्रिंस फेस्टिवल के अंदर। सो ओ यू आर जस्ट टेरेबल कोको एम एस आई, ओके हम लोग अभी तक चेंज नहीं हुए। ये मिष्टी को मिलके बहुत सारे दिन हो चुके हैं, मतलब कैंटो से निकलने के बाद मुझे लगता नहीं हम लोग मिष्टी से मिले हैं जब से हम लोग ऑरेंज आए हैं। और यहाँ पे है पिंक, पिंक एक्चुअली बहुत बुरी हालत है उसकी। और चैप्टर 14 द रॉयल फेस्टिवल यहाँ पे स्टार्ट होते हुए हम लोग हैं मैंडरिन आइलैंड्स के अंदर, और यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, ये उसी लिए बना हुआ आइलैंड है इसे माना जाता है। तो बात करेंगे पूरे एरिया के साथ और देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे मिल सकती है फेस्टिवल को स्टार्ट करने से पहले, या फिर फेस्टिवल स्टार्ट भी हो गया रहेगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें कवर करेंगे। और मैंडरिन आइलैंड माना जाता है कि बहुत बड़ा आइलैंड है, लेकिन धीरे धीरे करके कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग, धीरे धीरे घूमेंगे इस पूरे आइलैंड को और रिवील करेंगे कुछ चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है द मिसेस कैचम, मतलब डेलिया कैचम, ऐश की मॉम। और हम लोग ने ऐश कैचम को अभी अभी देखा था एक मिशन के पास ग्रेफ्रूट आइलैंड के अंदर, लेकिन अभी ऐश कैचम यहाँ पे दिख नहीं रहा है। डेलिया कैचम उसको ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। हम लोग मैंडरिन आइलैंड स्क्वायर पे हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ से हम लोग सर्व करते हुए जाएंगे। वहाँ पे एक ऑसम सा बंदा खड़ा है जो है ग्रीन, और ये है इस आइलैंड के मेयर। तो मेयर बोल रहे हैं कि प्रिंस एंड प्रिंसेस आया, जो फेस्टिवल है जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है, हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को एक प्रिंसेस की ज़रूरत लगने वाली है, तो काइंड ऑफ एक लड़की ढूंढनी पड़ेगी और उसके बाद ही हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये चीज़ सिमिलर हुई थी हमारे साथ एक और आइलैंड के अंदर, और यहाँ पे इस सेक्टर है मैंडरिन आइलैंड का, और यहाँ पे हर्ट दिखाई देगा, एक घर भी है, लेकिन घर के अंदर बाद में घुसेंगे। यहाँ पे एक फेक आइटम है, इस बंदे के साथ बातचीत कर लेते हैं, लेकिन बंदा कुछ भी बात नहीं करने वाला। वहाँ पे है ब्लू, यहाँ पे है ग्रीन, तो दोनों के दोनों इस आइलैंड पे हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। सिमिलर ऐश ग्रे के अंदर जो चैप्टर था वैसे ही चैप्टर यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। अनदर टीएम हम लोग यहाँ पे मिलते हुए, टीएम चेक कर लेते हैं, ये टीएम क्या है। टीएम विन 09 है बाइट अटैक, और बाइट अटैक हम लोग को हमेशा स्टार्टिंग में ब्रॉक देता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को फिर से एक बार ये टीएम मिलते हुए इस घर के अंदर घुसेंगे, और यहाँ पे हम लोग घर के अंदर बाकी सारी बातचीत करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ घर के मसले हैं तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, और ग्रीन और ब्लू के साथ बाद में बातचीत करेंगे। फिलहाल तो हम लोग सारे घर घूम लेंगे। यहाँ पे स्टैन भी है, स्टैन भी कुछ चीज़ों के बारे में बातचीत कर रहा है, हेली भी है मैंडरिन आइलैंड के बारे में बातचीत करने की कोशिश कर रही है। और अभी हम लोग यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे पोकेमोन सेंटर भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हमारे पोकेमोन्स को हील कर लेंगे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फिलहाल के लिए। बहुत सारे बैटल्स होने वाले हैं मुझे लग रहा है इतने सारे बंदे होने के बाद, या फिर बैटल ना होते हुए कुछ अलग चीज़ें भी यहाँ पे हम लोग को देखने मिल सकती है। अनदर घर, और इस घर के अंदर पता नहीं क्या है, लेकिन आफ्टर हर ओके यू आर गोइंग टू बी माय राइवल, हाउ अबाउट दिस, आई विल गिव यू प्लस एंड माइनस टाइम एक्स एंड डिविडेंड। तो यहाँ पे हम लोग काइंड ऑफ यहाँ पे हम लोग प्लसल को पिक कर लेते हैं, पता नहीं प्लसल यहाँ पे हम लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो बाद में हम लोग चेक करेंगे पोकेमोन सेंटर के अंदर जाके। और एक बार आप पोकेमोन ले लेते हैं उसके बाद आपको दूसरा पोकेमोन नहीं मिलने वाला, तो आप ये गेम खेल सकते हो। गेम का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और हैबिटेट्स के बारे में बातचीत चल रही है पोकेमोन की, घर के बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पे है ईली, यहाँ पे हम लोग ग्रीन से मिल रहे हैं, और ग्रीन बोल रहा है कि कुछ सस्पिशियस दिखने के बाद हम लोग को बताएं, क्योंकि लास्ट एपिसोड के अंदर ग्रीन और मेरे साथ कुछ बहुत ही बुरी चीज़ें हुई थी, उसके लिए बोल रहा हूँ सीरीज चेक करो। बहुत ही कनेक्टेड एपिसोड है एक दूसरे के साथ, रेड की पूरी मांगा जर्नी इसके अंदर है, थोड़ी बार कवर की हुई। और यहाँ पे पंचेट एंड वॉचिंग ड्रैगन बॉल सी वेजिटेबल यहाँ पे, और वॉच ड्रैगन बॉल सी के बारे में बातचीत चल रही है। और यहाँ पे सारे सिमिलर है, मतलब काइंड ऑफ आप एक से बात करोगे तो उसके बाद सारी चीज़ें होगी, लेकिन यहाँ पे काइंड ऑफ ये ड्रैगन बॉल जी नहीं है, इसका नाम है शो का अलग डोंकी बॉल जी। तो यहाँ पे काइंड ऑफ ड्रैगन बॉल जी का थोड़ा सा मजाक उड़ाया गया है। यहाँ पे है TM71, चेक करेंगे TM71 क्या निकलता है। फिर से एक बार टी एम केस के अंदर घुसेंगे, और स्टोन एज एग्जैक्टली जाके मारकर वहाँ पर लग गया हमारा। और
नॉर्थ सेक्टर के अंदर आए हैं। यहाँ पे हमारा बिल खड़ा है और यहाँ पे वो डेजी से बातचीत करना चाहता है, लेकिन हम लोग अभी तक डेजी से भी नहीं मिले। डेलिया कैचम से मिले, डेजी से नहीं मिले। घर के अंदर घुसेंगे एरिक और यहाँ पे बहुत सारे बुक शेल्फ भी है। लैकेक्यू के साथ भी बातचीत कर ली, लेकिन यहाँ पे कुछ भी चीज़ आपको नहीं मिलने वाली। मुझे लगता है रॉयल फेस्टिवल, यहाँ पे एश कैचम भी है और यहाँ पे फाइनली द डेजी। तो हम लोग बिल यहाँ पे उसको मिलने वाला था, लेकिन फाइनली मुझे लगता है बिल पोजीशन भूल चुका है, लोकेशन भूल चुका है कहाँ पे उसको मिलना है। और डेजी अलग जगह पे खड़ी है, बिल अलग जगह पे खड़ा है, लेकिन डिस्टेंस बहुत ही कम है, मिल सकते हैं एक दूसरे को। सीधा सोच रहा हूँ अभी जाके इस घर को चेक करूँ। उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्चर है, मतलब स्क्रिप्ट पड़ी है। आई हर्ड डैट देयर इज अ लेक ऑन एन आइलैंड दैट कंटेन्स अ वाटर दैट मेक्स अ वूमन प्रेगनेंट इफ दे ड्रिंक इट, दैट आइलैंड कॉल्ड एज अ गोल्डन आइलैंड। तो आइलैंड गोल्डन आइलैंड हम लोग ने ऑलरेडी चेक कर लिए शायद से, या फिर नहीं की रहेगी तो फ्यूचर के अंदर जरूर देखेंगे गोल्डन आइलैंड्स को। और कैटा माउंटी शायद से, यस डेफिनेटली वो गोल्डन आइलैंड था। यहाँ पे ऐश हम लोग को मिलते हुए और हम लोग ने ऐश को बता दिया कि उसकी मोम उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है, तो फटाक से गए अपने मोम को ढूंढने के लिए। और हम लोग ने अच्छा खासा काम कर लिया है और मुझे लगता है कि अभी जाना पड़ेगा हम लोग को रॉयल बैटल फेस्टिवल के अंदर एंट्री करने के लिए। उससे पहले हम लोग को ब्लू से बातचीत करनी पड़ेगी। अभी तक ब्लू से बातचीत नहीं की है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और ये सारे सेक्टर होने के कारण हम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि सेक्शन कैसे क्लियर करने हैं। लेकिन दो तीन तो सेक्शन यहाँ पे क्लियर होते हुए, यहाँ पे ये बंदी बोल रही है कि पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग को एक गर्ल की, एक लेडी की जरूरत पड़ने वाली है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है वो लेडी हमारे साथ हो सकती है, द वन एंड ओनली ब्लू। ब्लू से बातचीत करेंगे ज़रूर। और यहाँ पे एक फेक आइटम है तो आपको यहाँ पे झुलने की जरूरत नहीं है। ब्लू से बात कर लेते हैं, हाँ व्हाट काइंड ऑफ ट्रिक्स आर यू अप टू? देयर इज नो ट्रिक्स स्वीटी, आई एम हियर टू अटेंड प्रिंसेस एंड प्रिंस फेस्टिवल जस्ट फॉर फन एंड लेट्स हैव अ बैटल। तो हम लोग यहाँ पे ब्लू से बैटल करने वाले हैं, लेकिन ब्लू के पास यहाँ पे सरप्राइजिंगली कि पोकेमॉन है जो है पॉरीगॉन। तो जैसे मुझे ग्रीन बोला था लास्ट एपिसोड में कि ब्लू काइंड ऑफ चेंज हो चुकी है, जैसे मुझे लग रहा है चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पॉरीगॉन है उसके पास, बाकी के सारे पोकेमॉन पता नहीं कहाँ पे गए हैं। तो हम लोग को थोड़ा सा मुझे थोड़ा शक हो रहा है कि ये ब्लू है कि या फिर कोई और, क्योंकि पॉलीगॉन जो था वो हम लोग को ध्यान रखने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे इसके पास भी पॉलीगॉन है। तो थोड़ा सा सस्पिशियस बिहेवियर यहाँ पे देखने मिला, लेकिन हम लोग ने पॉलीगॉन को डिफीट किया, ब्लू को डिफीट किया। हम लोग वही पूछ रहे हैं कि ब्लास्टर जिग्लीपफ के बारे में क्या हुआ, लेकिन डू यू वॉन्ट टू मी माई प्रिंस? श्योर। और थैंक यू कोको एम एस, इसी के साथ हम लोग को एक प्रिंसेस जरूर मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे है पिंक और पिंक काइंड ऑफ थोड़ी सी जलिस होगी रहेगी क्योंकि वो इस फेस्टिवल के अंदर एंटर नहीं कर सकती। और अभी हम लोग के पास प्रिंसेस भी है और हम लोग आगे जाके चेक कर भी सकते हैं और मुझे लगता है कि हम लोग मेयर से भी बातचीत कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अनदर बंदी आते हुए, ब्लू हाउ डू यू वॉक पास्ट मी एंड गेट चेंज सो क्विकली, आई एम चेंज माई माइंड, आई डोंट नीड यू। ओ भाई यहाँ पे क्या अलग ही चीज़ हो रही है। ब्लू ने हम लोग को टाटा बोल दिया है, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। और यहाँ पे ब्लू जाते हुए, आई एम सॉरी क्योंकि मैं इस बट यू विल अंडरस्टैंड दैट। तो अनदर धोखा फिर से एक बार। तो अभी हम लोग को एक नई प्रिंसेस ढूंढनी पड़ेगी जो हम लोग को हेल्प कर सकती है इस फेस्टिवल के अंदर, सो कॉल्ड फेस्टिवल, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। और अभी हील करूंगा मेरे पोकेमॉन्स को क्योंकि पॉरीगॉन ने थोड़ा सा डैमेज जरूर दिया था। और अगर फेस्टिवल के अंदर बहुत सारे पोकेमॉन्स हम लोग से बैटल करते हैं तो और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। हम लोग को यहाँ पे कैसे भी करके एक पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। तो पार्टनर ढूंढने के लिए मुझे तो फिलहाल एक ही, मतलब एकदम प्रॉपर सा एक ऐसा लग रहा है कि डेजी हम लोग की मदद कर सकती है, क्योंकि उसके अलावा मुझे कोई भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी मिस्टी ने किसी को ढूंढ लिया है, ब्लू भी यहाँ पे ढूंढ चुकी है। तो डेजी, ओ है कोकेमस, यू आर लुकिंग फॉर योर ब्रदर? नो, आई एम वेटिंग फॉर माई बॉयफ्रेंड फॉर फेस्टिवल, फॉर फ्रेंड सॉरी। और ये थोड़ी सी झगमगा गई बॉयफ्रेंड फ्रेंड के बीच में, लेकिन अभी हम लोग डेजी के साथ पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस सो कॉल्ड फेस्टिवल के अंदर। तो देखते हैं कि डेजी क्या बैटल कर पाती है इस फेस्टिवल के अंदर हमारे साथ, या फिर ड्यूअल बैटल होने वाली है, या कैसी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। तो अभी मैं सीधा मेयर के पास जाऊँगा, बातचीत कर लूँगा। कैन यू डू मी अ फेवर? आई फॉरगॉट टू गेट द प्राइस ऑफ द फेस्टिवल डीडी अपग्रेड फ्रॉम द शॉप टू गेट। ओके, तो डीडी अपडेट यहाँ पे हम लोग को हर्ट के अंदर मिल सकता है, तो हम लोग को हर्ट के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ से हम लोग डीडी अपग्रेड तो ले सकते हैं। डीडी अपग्रेड बेसिकली यूज़ होता है पॉरीगॉन के लिए, पॉरीगॉन टू में इवॉल्व हो जाता है अगर आपको डीडी अपग्रेड उसको पकड़ा देते हो तो। लेकिन यहाँ पे पिंक ज़रूर है और प्रिंस बात कर रही है, पर पिंक बात कर रही है, डू यू मीन इट? यस, कम ऑन। तो यहाँ पे आई गॉट अ गो कोको एमएस और प्रिंसेस और फिल्म फेस्टिवल में ज़रूर पिंक पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन उसका जो फेस है वो फिलहाल हम लोग को दिखाया नहीं जाना चाहिए इसके हिसाब से वो बिहेव कर रही है। तो
हम लोग आ चुके हैं अंदर, सारे बंदों से बातचीत कर लेंगे और ASMR के बहुत सारे YouTube चैनल्स आपको दिखेंगे तो उसके बारे में भी बातचीत हो रही है ASMR ब्ला ब्ला थिंग्स। और हियर यू गो, हम लोग को मिल चुका है द वन एंड ओनली DD अपग्रेड जो है हमारे इस फेस्टिवल का प्राइस। हमारे पास प्राइस ज़रूर है तो हम लोग यहाँ से भाग भी सकते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे ब्लू आते हुए व्हाट आर यू डूइंग, तो आई एम हेल्पिंग द मेयर टू गेटिंग द प्राइस ऑफ द फेस्टिवल, तो डेफिनेटली वो रियली हैव एन आइडिया क्या होता है तो व्हाट नो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लू थोड़ी सी डिफरेंट बात कर रही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियसली, लेकिन ऐसे क्यों लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू हम लोग से गुस्सा है और वाई यू वुड डू डैट, वॉट्स रॉन्ग विथ यू, अप टिल नाउ आई हैव बीन एक्सट्रीमली फ्रेंडली विथ यू, गो कमिंग फ्रॉम दैट भाई पूरा का पूरा, जस्ट नो डैट नाउ एंड यू विल बी ओके। तो यहाँ पे ब्लू गुस्सा हो चुके हैं लेकिन ब्लू को इतना क्विकली DD अपग्रेड क्यों चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्यों चाहिए। लेकिन मेयर को हम लोग ने यहाँ पे DD अपग्रेड पकड़ा दिया है, थैंक यू बोल दिया है और प्रिंस एंड प्रिंसेस फेस्टिवल यहाँ पे स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम लोग को एक ढूंढना है और एक अंडर शेल, तो यहाँ पे कुछ शेल्स हैं जहाँ पे हम लोग को एक ढूंढना पड़ेगा और मुझे लगता है कि हम लोग को ढूंढने के लिए ज़्यादा तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग सबसे बात कर लेंगे फिलहाल तो, क्योंकि उनको पता रहेगा कि एक के बारे में क्या है डिटेल्स एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पे मेयर चाहता है कि जो फर्स्ट एक पकड़ेगा उसको थोड़ा सा एडवांटेज मिलने वाला है राउंड के अंदर। और यहाँ पे स्टार में जीरो जिसको मैं बहुत दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ पे आपको मिल सकती है। और डेफिनेटली अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है अभी तक का तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ऐसे ही कंटेंट आते जाएगा। हम लोग जी पार्टनर है जो डेजी जी, उनसे भी बात कर लेंगे, एश कैचम से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरी बंदिया भी है वो भी शायद से पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम लोग को अभी तक पता नहीं है कि कहाँ पे क्या चीज़ें मिलने वाली है। ये क्या है भाई, यहाँ पे होल्डिंग अ टाइड एंड ओके आई टेक देम होम, ये भाई दोनों के दोनों अलग ग्रुप बना के खड़े हैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए और ब्लू भी अलग डायरेक्शन में जा रही है। हम लोग इसके साथ बात कर लेंगे लेकिन फिलहाल पेरी जो है क्लोज है बिकॉज ऑफ प्रिंस एंड प्रिंसेस फेस्टिवल। तो आपको क्या लगता है कहाँ पे हम लोग को मिल सकता है, मुझे ना थोड़े से जो शेल्स हैं उनके ऊपर क्लिक करके देखना पड़ेगा। कॉटन यहाँ पे है लेवल 55 की जो आपको यहाँ पे मिल सकती है, तो इस एक्स को ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को कैसे भी करके। कहाँ पे मिलेंगे शेल्स में मिल सकते हैं ऐसा मेरा एक प्रिडिक्शन है। यहाँ पे 3 शेल्स हैं, यहाँ पे तो नहीं है और आपको फटाफट जाके सारी जगह पे क्लिक करना पड़ेगा शेल्स के आसपास। यहाँ पे चेक कर देते हैं और चेक करते ही एक मिल गया पैरोलियन, यहाँ पे मिलेगी जो कैट पोकेमोन है। और कैट ऑफ माउंटिक आइलैंड पे मतलब गोल्डन आइलैंड पे हम लोग को ऐसे बहुत सारे कैट पोकेमोन मिले हैं। एक एंड जीरो यहाँ पे आपको मिल सकता है, फटाक से हम लोग एक लेके मेयर के पास चले जाएंगे छुप छुप के, ऐसे छुप छुप के नहीं हमको पता हम लोग को मिल चुका है। इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट चैलेंज, द नेक्स्ट चैलेंज कंसिस्ट ऑफ द प्रिंसेस एंड प्रिंस ब्रॉल, द विनर ऑफ दिस राउंड गेट द DD अपग्रेड एंड प्रिंस मस्ट बी फाइट ऑल द प्रिंसेस एंड मीनवाइल सॉरी प्रिंसेस प्रिंसेस और प्रिंसेस मस्ट बी फाइट टू ऑल द प्रिंसेस। तो प्रिंस को प्रिंस के साथ फाइट करनी है और प्रिंसेस को प्रिंसेस के साथ फाइट करनी है, तो ये भाई उसको एक्सप्लेन करना चाहते थे लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया यहाँ पे चीज़ें। सीधा जाएंगे, फिलहाल तो मैं चैलेंज करना चाहता हूँ तो बने उन्होंने ब्लॉक को, मैं वही फिलहाल चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को देखने मिल सकती है इस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर। और बेसिकली यहाँ पे आते हुए द वन एंड ओनली पॉरीगॉन, और पॉरीगॉन हम लोग को शायद से मारना भी चाहता है लेकिन व्हाट माय अदर फ्रेंड्स डू, तो यहाँ पे यू शुडंट हैव बिट्रेड मी। और इसी के साथ पॉरीगॉन ने हम लोग को चार तरफ से मारने की कोशिश की है, ग्रेट शुड बी राइट बिफोर द ओके गोरे इट वॉज यू। तो इसी के साथ पॉरीगॉन यहाँ पे बैटल करना चाहता है फिर से एक बार, तो पॉरीगॉन का चैलेंज हम लोग यहाँ पे सह लेंगे और थोड़ा सा उसको देखेंगे कि कैसे डिफीट कर सकते हैं वन एंड ओनली पॉरीगॉन को क्विकली, इसे करके हम लोग जीत पाएंगे इस पर्टिकुलर ब्रॉल को। लेकिन पॉरीगॉन तो फटाक से हार गया भाई, और ग्रे भी, ग्रे नो, यहाँ पे एश कैचम बोल रहा है कि मैं तुझे चैलेंज करना चाहता हूँ, तो सीधा हम लोग एश कैचम के पास चैलेंज करने जा सकते हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। और इसी के साथ यहाँ पे पिंक, थैंक यू गोको MS, इसी के साथ पिंक यहाँ पे हम लोग से बातचीत करते हुए, सो इट्स वॉर इट वॉज अ पॉरीगॉन आई न्यू इट वॉजेंट यू, आई ग्लैड आई डिडंट मेक मिस्टेक फ्रॉम स्टिकिंग अप फॉर यू, पिंक वॉट्स रॉन्ग टर्न अराउंड आई कांट आई विल सी यू अराउंड गोको MS। तो यहाँ पे पिंक यहाँ से जाते हुए डेफिनेटली, और पिंक यहाँ पे हम लोग से बातचीत जरूर करेगी लेकिन मुझे लगता है फ्यूचर के अंदर ये सारी बातचीत होने वाली है। फटाक से हम लोग हमारे पोकेमॉन्स को हील कर लेंगे और हील करते ही हम लोग यहाँ से बाहर चले जाएंगे। यहाँ से अगर आप आगे चले जाते हो तो उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि है यहाँ पे बिल, तो बिल के खिलाफ हम लोग बैटल कर सकते हैं। अभी तक तो इसके खिलाफ हम लोग ने बैटल नहीं की थी, तो बिल को चैलेंज कर लेते हैं और उसके खिलाफ बैटल कर ही लेते हैं। बिल के पास है 3 पोकेमॉन, उसमें से एक है द वन एंड ओनली मैजिकॉप, रेजोल्यूशन मैजिकॉप को हरा देंगे
देंगे, उसके बाद आ रहा है बल्पिक्स को, अर्पी करके बल्पिक्स को हरा देंगे, उसके बाद आ रहा है कैश लगा 37 पे। कैश को एवॉल्व जरूर करने वाले लिंक स्टोन की मदद से एक बंदे ने हम लोग को बताया, तो थैंक यू गाइस इसके लिए। आपने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी मुझे पता नहीं था, लिंक स्टोन यूज करके इवॉल्व कर सकते हैं हम लोग गेंगार के अंदर, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा हॉन्टर के लेवल बढ़ाना चाहता हूँ, उसके बाद ही उसको गेंगार के अंदर इवॉल्व करूंगा। बिल का फाइट फटाफट से रैपअप हो चुका है, तो फिलहाल मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पे हील कर लेते हैं तो हम लोग रूल्स ब्रेक करने वाले या नहीं करने वाले, तो यहाँ पे हील भी कर सकते हैं हम लोग, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग सा चीज़ है क्योंकि टूर्नामेंट चल रहा है, अब हील नहीं कर सकते उसके अंदर। अभी हम लोग जाएंगे सीधा चैलेंज करने के लिए द वन एंड ओनली ब्रॉक द इंटर सिटी जिम लीडर को फिर से एक बार, और देखते हैं ब्रॉक की टीम के अंदर कौन से चेंजेस हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे फिलहाल तक, और दिस टाइम आई एम गोइंग टू बी इसे बोल रहा है ब्रॉक, लेकिन हम लोग ब्रॉक को चैलेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज यूट्स आते हुए, यहाँ पे चीज को हराने के लिए हम लोग रेजरलिक यूज कर सकते हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, अर्थ भी लगा अच्छा खासा, लेकिन यहाँ पे है क्रस्टल और रेजरलिक क्रस्टल को नहीं लग रही है, तो मुझे लगता है क्रस्टल को बिठाने के लिए यहाँ पे रॉक क्रैकर भाई बैठेगा, उसको सब अटैक यूज़ कर सकते हैं क्रिस्टल को हराने के लिए। भाई रॉक क्रैकर यूज़ करने के बाद आपका पोकेमोन चार्जिंग पे चला जाता है। कबूडॉक्स आ रहा है ट्रेन पर यूज़ करेंगे कबूडॉक्स को हराने के लिए, क्योंकि वो है थोड़ा सा वाटर क्रिस्टल, उसकी वजह से जल्द हार जाएगा वो। जीवड्यूट एक बार सर्व कर सकते हैं, वाटरफॉल भी अच्छा रहेगा। जीवड्यूट यहाँ पे हार चुका है, गैस चला गया 38 पे, पॉलिश चला गया 63 पे, और यहाँ पे है फिर से एक बार गोलेम, वाटर कॉलम की मदद से हम लोगों ने गोलेम को हरा दिया। आ रहा है ऑनिक्स, सब अटैक यूज़ करेंगे ऑनिक्स को भी हरा देंगे, तो फटाफट से रॉक यहाँ पे हार चुका है, और अभी हम लोग चैलेंज कर सकते हैं द वन एंड ओनली एश कैचम को। लेकिन आज के एपिसोड में एश कैचम को चैलेंज नहीं करने वाला, एक छोटा सा आज के दिन ही शॉर्ट एपिसोड आने वाला है एश कैचम के बारे में, और अगर ये बेसिकली ऐसा है कि मैं शॉर्ट एपिसोड इसके लिए डाल रहा हूँ क्योंकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो सकता है रेड वर्सेस एश की मैच आप इन्जॉय कर सकते हो, तो बनी रहेगा इस वीडियो के अंदर, बनी रहेगा इस सीरीज़ के अंदर। आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना, और उसके साथ साथ सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब किया चैनल को उसके लिए थैंक यू गाइस, ऐसे सपोर्ट बनाते रखिएगा, और जिन्होंने नहीं किया अगर आपको वीडियो एंजॉयबल लग रहे हैं तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना, ऐसे कंटेंट आते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम से पोकेमोन एडवेंचर रेड के एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर अभी होने वाली है रेड वर्सेस एश बैटल, जो सबसे ज़्यादा वेटिंग पे है, तो देखते हैं कौन जीतेगा इस बैटल के अंदर। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, सायोनारा।